Several workers of the BJP as well as the Congress held protests today outside Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, demanding immediate improvement in the power and water supply in the national capital. Police used water cannons to disperse the BJP protesters who had assembled in large numbers. Attacking Kejriwal, BJP members said while Delhi was facing severe water and power crisis, the Chief Minister was busy fulfilling his political ambitions in Goa and Punjab. The BJP protest was followed by a demonstration by the members of the Women's Wing of Delhi Congress. Holding pots in their hands, the women workers raised slogans against Kejriwal. हाँ इसका पानी नहीं आ रहा, पब्लिक परेशान है, पानी जो पानी आ भी रहा वो गंदा आ रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार परेशानी। वो जनता को छलावा से अपनी सरकार बना के और जगह फिर यही बना रहे, पहले दिल्ली को नहीं देख रही है कि दिल्ली में क्या हाल हो रही है, गर्मी में पानी बिना लोग तरस रहे हैं। आज ये नौबत आ गई कि हम महिलाओं को रोड पर निकलना पड़ा। हमें तो नहीं लग रहा कि वो, और पेंसिल भी नहीं दे रहे हैं, पानी पेंसिल समस्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस पब्लिक को छलावा उनके साथ एकदम बेवकूफ कर रहे हैं। सर यही तो सुधार तो बहुत बढ़िया कर दिया है, जो पानी गंगा वाटर आता भी तो वहाँ गंदा पानी नाले का आने लगा है और जनता उसे पी के बीमार पड़ रही है, महामारी का शिकार हो रही है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल तक खुल हो चुके हैं। क्योंकि जब गंदा पानी आएगा मजबूर आदमी गरीब जनता पिएगी, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है बेसुली का बोतल मंगाए। जो आम गरीब जनता है उनको क्या पता, बेचारे गंदा पानी पीकर उबाल कर भी पी रहे फिर भी उनको हैजा और कालरा से ग्रस्त हो रहे हैं। ये इससे बढ़िया और क्या दे सकते हैं? आप मेरे मुँह देख रहे हैं, पसीना देख रहे हैं, तो बिजली जब नहीं है, पानी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया है कि औरतों को कि वो सड़क पे उतरे, घड़े खाली हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो पानी और बिजली और महिलाओं पे अत्याचार, ये तीन मेन मुद्दे थे उनके, उसमें से एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा, रेप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, पानी आता नहीं, बिजली आती नहीं 24 घंटे, तो किस बात की राजधानी है ये? केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, वो वहाँ गोवा में बैठे हैं, उनको दिल्ली पे इस समय ध्यान देना चाहिए, गोवा में बैठना चाहिए।